तो गाइस भाट टूट गई मेरा भाट। ओ आसान नहा ले मेरी काम आसान। ओ ये तो ठंड में उले। जीजा जी क्या सांस बिछा रहे हो? अच्छा इनको थक लग गई है थक तो ये लागे बिछुनी सांस जाड़े को कठी को काए वो का हे गाइस गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम चकाचक हैं। सो स्वागत है गाइस आपका हमारे नए व्लॉग में। और ये देखिए पीछे मेरे पीछे पूरा कोहरा ही कोहरा हो रहा है गाइस। आज दिख ही नहीं रहा है कुछ। यहाँ से मेरे ख्याल से 200-300 मीटर के बाद तो विजिबिलिटी है ही नहीं। सो दोस्तों आज का मेरा सुबह सुबह का काम यह है कि ये जो कंट्रोल रूम बना रखा है इसका पूरा फर्श तैयार करना। इसमें पहले मैं मिट्टी भरूंगा, मिट्टी भर के ऊपर से मैं कुछ ऐसा जुगाड़ लगाऊंगा, हमारी देसी भाषा में कुछ ऐसा जुगाड़ लगाऊंगा कि इसका फर्श सस्ते में भी और अच्छा भी बन जाए। दोस्तों कर्म ही पूजा है। आज मैं जब तक इसे भर नहीं देता तब तक मैं हार मानने वाला हूँ। यहाँ पे कम से कम एक पिकअप महिंद्रा की जो पिकअप होती है उससे फुल मिट्टी यहाँ पे लगेगी, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं इसे भर के ही छोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों अब जीजा जी भी मेरी हेल्प पे आ चुके हैं कंट्रोल रूम के फर्श को तैयार करने के लिए। अकेले बहुत मुश्किल था वो काम, तो अभी ये भी आ गए। देखिए ये फटाफट मुझे भर के दे देंगे और मैं डालते जाऊंगा। ये देखिए गाइस तो गाइस भाट टूट गई मेरा भाट। ओए आसान नहा ले मेरी काम आसान। ओ ये तो ठंड में उले। तो दोस्तों अभी जीजा जी क्या सांस बिछा रहे हो? अच्छा इनको थक लग गई है थक तो ये लागे बिछुनी सांस तो बहुत ज़्यादा थकाई लग गए के। अच्छा क्या कर सब आप? अच्छा चलो ठीक से बिछाओ। कुछ कहना चाह रहे हो दर्शकों को? ना बढ़िया हो रहा है, मौसम बढ़िया हो रहा है, पसीना हो रहा है। अच्छा जाड़ों में भी पसीना है? जाड़ों में भी पसीना हो रहा है। तो पसीना बहाए तो अच्छा ही है स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तो, कम होगी बिल्कुल। चलो तो हमारे दर्शकों को यही बोलना चाहते हो कि मेहनत करो आप? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। कल करे सो आज कर आज करे सो अब अगले अच्छे पल में परला ही होएगी बहुरी करोगे कब? तस अब याद आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? मैं कह रहा हूँ कल का काम आज ही कर। कल कल कबीर ने दे। अच्छा कल कल करके क्या हो जाता है? खत्म कहानी। तो गाइस बहुत ठंड है, बड़ी ठंड है। मेरे ख्याल से कोहरा आप लोग देख पा रहे होंगे। इस ठंड में भी हमारी जो टीम है मजबूत तरीके से अपने काम पे
डटी हुई है। मैं दिखा रहा हूँ आज क्या हो रहा है हमारे फार्म में काम। ये देखिए दोस्तों, आज इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है। ये देखिए हर एक कैंची में तीन तीन रोडें लग रही हैं। टोटल मेरे ख्याल से 80 रोडें इस फार्म में लगेंगी, खाली फार्म में। तो ये देखिए नए नए लड़के आए हैं, बिल्कुल यूथ, फटाफट रोड लगाते हैं। बेटा इधर को देखो, क्या है आपका नाम? ब्रिजेश। कब से कर रहे हो इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम? कम से कम 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, सारा मालूम है, सब कुछ सीख लिया? नहीं अभी कहाँ। कितने में पढ़ते हो? सेवन्थ में पढ़ते हो? ठीक। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल 3-4 लोगों की टीमें हैं। ये सारे लड़के आ रखे हैं, पढ़ाई भी करते हैं प्लस काम भी कर लेते हैं। ये इनके ऑनर हैं, इनके अंडर काम करते हैं। हाँ जी भाई साहब, बताइए अपने बारे में हमारे दर्शकों को। तो इतना क्यों हंस रहे हो यार, बताओ क्या दिक्कत है? हैं, ये थोड़ा कैमरा शाही है गाइस, सो हम नेक्स्ट बंदे से बात करेंगे। ये थोड़ा सबसे तेज काम यही कर रहे हैं। क्या है बेटा आपका नाम? दीपक सावर। दीपक सावर। अच्छा, पढ़ाई करते हो? हाँ जी। कितने में पढ़ते हो? 10। थोड़ा फेस दिखा दो अपना। 10 में पढ़ते हो? पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर लेते हो? कब से कर रहे हो इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम? 5 साल हो गया। ये देखिए गाइस, बहुत मेहनती लड़का है, अभी 10 में पढ़ता है, 5 साल से इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम कर रहा है। तो हैट्स ऑफ यू गाइस। और एक साइड से हमारे ये अंकल जी काफ़ी मेहनती हैं, आज इनका एक्चुअली ऑफ है गाइस, तो लेकिन ये ऑफ के दिन भी अपने काम में लगे हुए हैं। अंकल जी पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बता दीजिए। गौतम पवार। गौतम पवार हैं गाइस। ये है मुंबई से, वॉल्को कंपनी के टेक्नीशियन है, सबसे पुराने टेक्नीशियन है, 20 साल से वॉल्को कंपनी के ही साथ काम कर रहे हैं गाइस। एक्चुअली आज इनका ऑफ है, ऑफ के दिन भी एक देखे काम में लगे हुए हैं, जबकि इनको ज़रूरी नहीं है कि आज काम करना है। तो बाद में हम इनसे और भी नॉलेज लेते रहेंगे, ये अभी हमारे साथ हैं, फिलहाल 1 हफ्ते तक तो हमारे साथ हैं। हाँ जी, के चलना आज जाड़ हो कठी को काए वो का फर जोरल बुलाओ ठीक है कठी। अच्छा, यूं पढ़ नहीं चुके? अच्छा, ये देखिए गाइस आज बहुत ठंड है, आग बिल्कुल आग जला रखी है, मस्त करके आग सेक रहे हैं। ये तो कठी की, ये महाराष्ट्र में आ रही, ये तो बिल्कुल कठी की लकड़ी है।